प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इसी सोच से प्रेरित महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2018 से आरंभ हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का लक्ष्य उन बच्चों को सम्मानित करना है जिन्होंने आसानी को भूल कर साहस को चुना अपनी नई सोच से नया कुछ बुना नई ऊंचाई पाने को नया रास्ता चुना इन बच्चों पर देश को अभिमान है क्योंकि इनके ही सपनों से भारत का भविष्य महान है नवाचार वीरता शैक्षिक उपलब्धि समाज सेवा कला और संस्कृति खेल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन छह श्रेणियों में बच्चों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है पाँच से अठारह साल के बच्चों को दिए जाने वाले इस पुरस्कार में एक पदक एक लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है विजेता बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से 2021 व 2022 के पुरस्कार विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जनरेटेड सर्टिफिकेट पूरी तरह से सुरक्षित है ये अनूठा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 व 2022 के सभी विजेताओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया के इस डिजिटल इंडिया के इस सुखद प्रयासों के माध्यम से आज राष्ट्र भर में उनतीस बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे आपकी अनुमति से हमारे इन बच्चों की उपलब्धियों पर एक छोटी सी वीडियो बनाई गई है आपके आशीर्वाद से उसे राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मंच समर्पित है उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा और प्रयास आज देश के करोड़ों बच्चों के लिए उदाहरण बन रहे हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार श्रेणियों में दिए जाते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के कला एवं संस्कृति में विजेता हैं कुमारी गौरी महेश्वरी उम्र तेरह वर्ष अजमेर राजस्थान छह वर्ष की उम्र से कैलीग्राफी की शुरुआत की और कई कीर्तिमान स्थापित किए की मास्टर सईद फतीन अहमद उम्र तेरह वर्ष बेंगलुरु अर्बन कर्नाटक वेस्टर्न क्लासिकल पियानो वादक इस क्षेत्र में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं कुमारी रिमोना एविटी परेरा उम्र पंद्रह वर्ष कर्नाटक भारतनाट्यम की युवा कलाकार गोल्डन बुक इंडिया बुक और भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है मास्टर दौलस लंबा मायूम उम्र तेरह वर्ष इम्फाल ईस्ट मणिपुर पेंटिंग और फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपना कौशल दिखाया है और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है मास्टर देवी प्रसाद उम्र चौदह वर्ष मल्लापुरम केरल युवा कर्नाटक संगीत वादक इन्हें मृदंगम बजाने में महारत हासिल है मास्टर ध्रितिष्म चक्रवर्ती उम्र पाँच वर्ष शिव असम एक अद्भुत गायक जो पांच अलग अलग भाषाओं यानी असमिया संस्कृत बंगाली हिंदी और अंग्रेजी में गा सकते हैं वीता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं कुमारी गुरुगु हिमाप्रिया उम्र 12 वर्ष श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश जम्मू के सुंजवान मिल कैंप में आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने पर इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकवादियों को चार से पाँच घंटे तक उलझाए रखा कुमारी शिवांगी काले उम्र छह वर्ष जलगांव, महाराष्ट्र कम उम्र में अपनी निडरता और सूझबूझ दिखाकर अपनी बहन और माँ को बिजली का करंट लगने से बचाकर उनकी जान बचाई मास्टर धीरज कुमार उम्र चौदह वर्ष पश्चिम चंपारण बिहार इन्होंने निडर होकर मगर मच से लड़ाई लड़ी और अपने छोटे भाई की जान बचाने में सफल हुए नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं। कुमारी विशालनी एनसी उम्र छह वर्ष विरुख नगर तमिलनाडु बाढ़ आपदा जीवन रक्षक उपकरण का अविष्कार किया जो पानी में तैरता है जिसे व्यक्ति को डूबने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है कुमारी जोई अभिजीत केसकर उम्र पंद्रह वर्ष पुणे महाराष्ट्र पार्किसन रोग के रोगियों के लिए पहनने योग्य एक दस्ताने की तरह उपकरण बनाया है जिसे जे ट्रेमर थ्री कहा जाता है मास्टर शिवम रावत उम्र 16 वर्ष उधम सिंह नगर उत्तराखंड भारतीय सरसों के पौधे पर तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि की कुमारी बनीता दास उम्र 15 वर्ष नवरंगपुर उड़ीसा इन्होंने एक शुद्र ग्रह की खोज की इन्हें नासा और आई सी द्वारा नागरिक वैज्ञानिक का दर्जा प्रदान किया गया है कुमारी भुहाबी चक्रवर्ती उम्र पंद्रह वर्ष पश्चिम त्रिपुरा त्रिपुरा स्पाइरोमीटर को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की दिशा में काम किया जिससे कोविड रोगियों को मदद मिलेगी कुमारी अस्वाथा बीजू उम्र तेरह वर्ष चेनगलपट्टू तमिलनाडु ये एक जीवाश्म विज्ञानी है इन्होंने गौशालाओं और जीवाश्म प्रदर्शनों का आयोजन कर जीवाश्मों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना शुरू किया मास्टर तनिष सेठी उम्र चौदह वर्ष सिरसा हरियाणा इन्होंने एक मोबाइल एप विकसित किया जिससे पशुओं की ऑनलाइन खरीद बिक्री हो सके शैक्षिक उपलब्धि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है मास्टर अवि शर्मा उम्र बारह वर्ष इंदौर मध्य प्रदेश वंडर बॉय के रूप में प्रसिद्ध है लेखक प्रेरक वक्ता वैदिक गणित के सबसे युवा संरक्षक सबसे कम उम्र के समाचार एंकर और अभिनेता हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं मास्टर आकर्ष कौशल उम्र 16 वर्ष करनाल हरियाणा महामारी के चरम के दौरान जब रोगियों को उनकी आर टी रिपोर्ट नहीं मिल रही थी इन्होंने करनाल जिले के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाकर स्वास्थ्य विभाग की मदद की मास्टर मेघांश कुमार गुप्ता उम्र 11 वर्ष जालंधर पंजाब इन्होंने 2020 में coronafreeworld.com साइट लॉन्च किया मास्टर अभिनव कुमार चौधरी उम्र 15 वर्ष मुरादाबाद उत्तर प्रदेश इन्होंने दस हजार ऐसी अधिक उन छात्रों को किताबें प्रदान की जो किताबें खरीद नहीं सकते थे मास्टर पल साक्षी उम्र 8 वर्ष सारण बिहार पीएम केयर फंड भारत सरकार के लिए एफबी म्यूजिकल चैरिटी शो के माध्यम से धनराशि जुटाई खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं कुमारी जिया राय उम्र तेरह वर्ष मुंबई महाराष्ट्र ओपन वाटर पैरा स्विमर और ओपन वाटर स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं मास्टर तेलुकुंटा विराट चंद्र उम्र सात वर्ष हैदराबाद तेलंगाना माउंट केलमिजारो आरोप चढ़ने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही हैं कुमारी श्रिया लोहिया उम्र तेरह वर्ष, मंडी हिमाचल प्रदेश सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स कार्टिंग रेसर सात राष्ट्रीय ट्रॉफियों के विजेता कुमारी अनवी विजय झंझारू किया उम्र तेरह वर्ष सूरत गुजरात कई स्वास्थ्य चुनौतियां होने के बावजूद इन्होंने योग में नया मकाम हासिल किया और बत्तीस से अधिक योग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर इक्कीस से अधिक पुरस्कार प्राप्त किए मास्टर चंद्र सिंह चौधरी उम्र 12 वर्ष अलीगढ़ उत्तर प्रदेश गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के विजेता रह चुके हैं इन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए छियानवे घंटे स्केटिंग चलाने का भी रिकॉर्ड स्थापित किया है मास्टर स्वयं पाटिल उम्र चौदह वर्ष नासिक महाराष्ट्र दस साल की उम्र में पाँच किलोमीटर और तेरह साल की उम्र में चौदह किलोमीटर तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया कुमारी तरुशी गौर उम्र 12 वर्ष चंडीगढ़ ताइक्वांडो में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता भारत की सबसे कम उम्र की फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट गर्ल है कुमारी आरोशी कोटवाल उम्र 17 वर्ष डोडा जम्मू और कश्मीर एशियन स्कूल साउथ एशियन एमेचर और एशियन स्कूल ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में पांच स्वर्ण पदक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के सभी विजेताओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हम सबको ज्ञात है कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से साल 2021 के हमारे सम्मानित बच्चे सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर पाए जैसा कि आप सबको अब विदित है आईआईटी कानपुर के सौजन्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज सर्टिफिकेट्स वितरित करेंगे प्रधानमंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि साल 2021 के के 32 पुरस्कृत बच्चों को आज आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी माध्यम से उनके सर्टिफिकेट्स प्रदान करें माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के सभी विजेताओं को प्रशस्ति पत्र उनके मोबाइल फोन पर डिजिटली प्रदान किए गए सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी अब हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि साल 2022 के उनतीस पुरस्कृत बच्चों को आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनका डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान करें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के सभी विजेताओं को प्रशस्ति पत्र उनके मोबाइल फोन पर डिजिटली प्रदान किए गए सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं प्रधानमंत्री जी आज के इस पुरस्कार वितरण समारोह की सबसे अनोखी बात है कि बच्चों को मौका मिलेगा आपसे संवाद करने का राष्ट्र भर से 21 राज्यों से उनतीस हमारे पुरस्कृत बच्चे आज अपने अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थित हुए हैं आपका अगर हमको परमिशन मिले प्रधानमंत्री जी तो इनमें से कुछ बच्चे आतुरता से इंतजार कर रहे हैं आपसे संवाद करने के लिए आपकी अनुमति से प्रधानमंत्री जी सबसे पहले संवाद की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मध्य प्रदेश से मास्टर शर्मा को परम श्रद्धेय प्र, प्रधानमंत्री महोदय मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें नम, नमस्कार अभी आप लेखक भी हैं व्याख्यान भी देते हैं आपने बालमुखी रामायण भी लिखी है इतना सारा काम आप कैसे कर पाते हैं बचपन बचा है कि वो भी चला गया है सर ये सब भगवान श्री राम का आशीर्वाद है कि मैं इतना सब कर पा रहा हूँ क्योंकि सर गीता में ही लिखा है सातवा अध्याय आठवां श्लोक की रसोह पर सुकौंत या प्रभाव व सर्व वेदेश शब्द खेप और यानी कि मनुष्य में जो सामर्थ्य है वह मैं हूँ सो so इसीलिए ही मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान का ही आशीर्वाद है और यह मेरे माता पिता सारे परिजन और सारे चाहने वालों के आशीर्वाद की वजह से ही मैं कर्मठता से यह सारी चीजें कर पाता हूँ अच्छा ये बताइए अभी कि रामायण में के संबंध में लिखने का ख्याल आपको सबसे पहले कब और कैसे आया सर इसकी प्रेरणा स्रोत भी कहीं ना कहीं आप ही रहे हैं लॉकडाउन 2020 में जब हम सभी लोग खासकर हम बच्चे पूरी तरीके से हताश हो गए थे तब आपने टीवी पर रामायण प्रसारित करवाई और जब मैंने रामायण देखी तो मैं रामायण से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ क्योंकि कहा जाता है नॉलेज इज बेटर कॉट नॉट मैंने पहले भी रामायण का श्रवण किया था पठन किया था परंतु जब मैंने रामायण को देखा तब मुझे लगा कि भगवान श्री राम का चरित्र आजकल हम बच्चे भूलते जा रहे हैं सो इसीलिए ही मैंने यह बालमुखी रामायण 250 छंदों में लिखी ताकि भगवान श्री राम ने रामायण के थ्रू जो आदर्श स्थापित किए हैं जैसे कि रेस्पेक्ट आजकल हम लोग पेशेंस बहुत ज्यादा खो देते हैं तो पेशेंस तो ऐसे सारे आदर्श हम बच्चे इस रामायण से सीख सकते हैं अपने जीवन में उतार कर एक आदर्श जीवन जी सकते हैं और मैंने इस रामायण को दस भागों में बांटा है अगर आपकी आज्ञा हो तो इसके पहले भाग राम जन्म के कुछ छंद में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा सुनाइए बिल्कुल वह छंद ऐसे है देवन विनती जब हरिजन में माँ धरती पर तब दशरथ के घर उत्सव आया अवधपुरी में उल्लास था छाया अवध राज के चार दुलारे राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे चारो कुमार अवध के प्राण धीर वीर ज्ञानी बलवान बहुत बहुत धन्यवाद सर अच्छा अभी आप रामायण में डूब गए पिछले लॉकडाउन का आपने उपयोग कर लिया रामायण में वो कौन सा पात्र है कौन सा चरित्र है जो आप पर बहुत ही प्रभावी है आप पर आपकी उसके प्रति श्रद्धा बन गई है सर ऐसे तो एक ही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्योंकि आजकल के जीवन में जीने के लिए हमें जो भी आदर्श की जरूरत है एक आदर्श इंसान को कैसा होना चाहिए भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही वह सारी चीजें दर्शा दी थी वह कैसे सबको साथ लेकर चलते थे कितना धैर्य वह रखते थे और सबका कितना आदर करते थे ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे भगवान श्री राम से सीखने को मिलती है सो ऐसे आदर्श तो मेरे भगवान श्री राम ही है अभी परिवार में सब तंग आ जाते होंगे दिन भर तुम्हें रामायण रामायण करते रहते होंगे तो घर के सब लोग नाराज हो जाते होंगे नहीं सर सौभाग्य से मेरे माता पिता मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं बचपन से ही इन्हीं से मैंने रामायण महाभारत गीता इन सब का चीज सुनी और श्रीमद भागवतम में सातवें अध्याय में सातवें कैंटो में लिखा है कि जब हम कोई भी आदत बचपन से ही डेवलप कर लेते हैं तो वह हमारे साथ जीवन भर रहती है तो घर में भी घर में भी जैसे कोर्ट के अंदर वकील धाराओं का उपयोग करके लड़ाई लड़ते हैं तो तुम भी घर में शास्त्रों का उपयोग करते लड़ाई लड़ते हो क्या नहीं सर शास्त्रों का तो मैं जरूर ही उपयोग करता हूँ परंतु मैं बच्चों को सिखाने में इनका उपयोग करता हूँ मेरे मिशन संस्कार और शिक्षा के अंतर्गत मैं बच्चों को भारतीय शास्त्रों भारतीय कल्चर के बारे में बताता हूँ और यह बताता हूँ कि कैसे हमारा जो भारतीय कल्चर है कितना ग्लोरियस है कितना रिच है वह और हम कितने आगे हैं क्या अभी ये मध्य प्रदेश के पानी में ही कोई विशेषता है क्या इस प्रकार के बच्चे तैयार होते हैं जी हाँ सर यह मारवा भूमि तो इतनी सुंदर रही है इसने लता मंगेशकर मैम इतने बड़े बड़े इन्होंने वीर दिए हैं देवी मैं मैं आपको आपको एक घटना सुनाता हूं जी आपके एक मुख्यमंत्री उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है जी। वो बहुत छोटी थी तब वो व्याख्यान करती थी तो गुजरात में अहमदाबाद में उनका मणिनगर इलाके में व्याख्यान था आज से करीब 45-50 साल पुरानी बात है अच्छा। अखबारों में बहुत चर्चा होती थी तो हम भी सुनने के लिए चले गए अच्छा। और मैं हैरान था उतनी छोटी उम्र में जिस प्रकार से वो धारा प्रवाह वक्तव्य देती थी जिस प्रकार से शास्त्रों का बहुत ही सटीक रूप में उल्लेख करती थी संस्कृत बोल लेती थी चौपाइयाँ गा लेती थी और अपनी बचपन आ की हरकतें भी करती थी मंच पर में बैठे बैठे मैं बहुत प्रभावित हुआ था बहुत 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 साल पहले की बात है तब उनकी आयु बहुत छोटी थी तो थी। मुझे लगा कि शायद मध्य प्रदेश में ये कुछ ताकत ऐसी है कि सब इसी प्रकार के विद्वान लोग बचपन में ही तैयार हो जाते हैं चलिए आपके मिताजी माताजी पिताजी को भी मैं प्रणाम करता हूं उन्होंने आपको संस्कारित किया आपको एक नई ऊर्जा दी और बहुत कम माँ बाप होते देखिए आपकी उम्र और आपके आपका काम इस बात को साबित करते हैं कि बड़े काम करने के लिए कोई उम्र छोटी नहीं होती है आप सिर्फ बच्चों के लिए नहीं पूरे समाज के लिए प्रेरणा है आप जो भी करें पूरा मन लगा कर करें इस सोच के साथ करें कि मेरा काम देश को कैसे लाभ पहुंचा रहा है पद प्रतिष्ठा आपकी उपलब्धियां भी कभी कभी आप पर दबाव बनाती है किसी भी चीज का दबाव खुद पर ना आने दें आपको आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपना आशीष हमेशा मुझ पे बनाए रखें प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की पुण्य धरती से अब आपको डिजिटली ले जाना चाहेंगे कर्नाटका जहां पर आपसे संवाद करने के लिए आतुर हैं कुमारी रिमोना इवेट परेरा नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते नमस्कार सर आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है सबसे पहले मैं आपको और देश भर की बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं रेमोना जी आपने जी तीन वर्ष की आयु से नृत्य के क्षेत्र में अपनी प्रैक्टिस शुरू की जी आपने खुद को लगातार कैसे प्रजिस किया क्या घर के लोग सुबह उठा उठा करके करवाते थे कि खुद के मन में कुछ इच्छा होती थी जी सर एक्चुअली uh, मेरे मामा बहुत इंटरेस्टेड थे डांस में मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था डांस के बारे में तो उन्होंने मेरे को सिखाया था और उनको इंडियन कल्चर बहुत पसंद है तो उन्होंने मेरे को तो लाइक थोड़ा थोड़ा थिंग्स सिखाया था जो ए, इंडियन क्लासिकल आर्ट से जुड़ा हुआ है तो इसलिए सब वहां से मेरे को भी इंटरेस्ट आया कि मुझे भी सीखना है इंडियन कल्चर के बारे में और इ, इ, इंडियन कल्चर में कितना रंग और उसका रिचनेस जो है वो मैं लाइक ऑल ओवर दी वर्ल्ड स्प्रेड करना चाहती हूँ सब अच्छा ये सीखने में काफी कठिनाई आई होगी कई बड़ी मुश्किलें आई होगी तो परिवार का सहयोग के बिना तो हो नहीं सकता है जी तो कैसी कैसी कठिनाई आई है कुछ बता सकती हो आप कैसे रास्ते निकाले जी सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास पिताजी नहीं है वो एक्सपायर कर गए हैं तो उसके वजह से मामा को बहुत कठिनाई है और प्लस हम लोग दो बच्चे हैं मैं और मेरे भैया तो इन एजुकेशन फील्ड बहुत मुश्किल था और बट फिर भी मामा ने कुछ ये बिना सोच के उन्होंने लाइक बहुत हार्ड वर्क करके उन्होंने मेरे को एक डांस क्लास में डाला और एजुकेशन दिया और मेरे को डांस फील्ड में लाइक ये सब सोच के तो ऐसा नहीं होता है सर कि मुझे ऐसे ही बैठना है मुझे भी एक है कि मेरे को भी मेरा मामा का नाम ऊंचा करना पड़ेगा और मेरे गुरुओं का नाम तो इसलिए बहुत कठिनाई थी सर देखिए मैं पहले तो आपकी माताजी को प्रणाम करता हूं आप कितनी भाग्यवान है कि मां ने अपने जीवन में जो संकट आया उस संकट के बीच भी तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए और मुझे बताया गया कि तुम टूटे कांच पर करती हो आग पर कार्यक्रम करती हो जी ये सुनकर के ही डर लगता है तुम्हें क्या लगता है सर फर्स्ट तो मुझे बहुत डर लगा बट बाद में मामा ने उससे उसको लेके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने नाचा उसके ऊपर बाद में मेरे को ब्रेवरी दिया कि रमोना कुछ नहीं होगा जा बोल के तो बाद में बहुत सालों लगा सिर गांच के ऊपर जस्ट खड़े होने के लिए बहुत गांच पीसेस पैर के अंदर गए हैं बट फिर भी मुझे एक इंटरेस्ट भी था अंदर कि मुझे सीखना है बोल के रेमना जी आपकी उपलब्धियां आपकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी है और इसके लिए आपके साथ ही जैसा मैंने कहा आपकी माताजी विशेष रूप से बधाई के पात्र है पिछले कुछ वर्षों में ये हमारा प्रयास रहा है कि हमारे देश से हमारा जो देश का सॉफ्ट पावर है उसकी अपनी एक अहमियत है और उसके जितनी शक्ति मिलेगी देश की शक्ति को प्रकट करने का एक रास्ता खोल देती है इस सोच को आप जैसे युवा कलाकार पूरी तरह समर्पण भाव से क्योंकि ये कला एक प्रकार की साधना है एक तपस्या है जो आपने प्राप्त की है मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सर प्रधानमंत्री जी एक बेटी का अभिनंदन करने के साथ साथ आज आपने उनके माँ के त्याग और माँ की अभिलाषाओं को भी प्रणाम किया है उसके लिए मैं हम सबकी ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ एक और बेटी त्रिपुरा से आपसे संवाद के लिए जुड़ना चाहेगी उनका नाम है पुहबी चक्रवर्ती नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते जी वो भी बताइए आप तो बहुत इनोवेशन करती रहती हो सुना है हमने जी सर बताइए सर मेरा इनोवेशन एक्चुअली दो किया है एक है स्पाइरोमीटर नाम के एक चीज़ है जिसके लिए मैंने एक जी बनाया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो स्पाइरो जो कोविड नाइन्टीन के लोग होते हैं उनके लंग्स बहुत ख़राब होते हैं मतलब अगर ट्रीटमेंट के टाइम पे भी हो या पहले भी तो क्योंकि कोविड नाइन्टीन सबसे पहले लंग्स को ही प्रॉब्लम करते हैं इसलिए मैंने ये जी इसलिए बनाया है Uh, ताकि करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनके लंग्स uh, को जाके पंप करे और वो जल्दी से ठीक हो जाए और मेरा जो दूसरा इनोवेशन uh, uh, है वो एक ऐप है जिसका नाम है एथलेटिक्स फॉर द आत्मनिर्भर एथलीट सर मैं खुद भी एक एथलीट हूँ और मैं uh, कैराटे में ब्लैक बेल्ट भी हूँ उसी के साथ साथ मैं इंडिया को बहुत बार रिप्रेजेंट भी कर चुकी हूँ इंटरनेशनल लेवल पे तो जब मैं वहाँ पे खेलने जाती थी तो मैं देखती थी कि बहुत ऐसे एथलीट्स थे जिसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे जो स्पेशली इकोनॉमिकली वीक फैमिली से आते थे जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइटिशियन नहीं मिलते थे या मेंटल हेल्थ का कुछ नहीं होता था तो इसलिए मैंने उन लोग के लिए एक ऐप बनाए जो शायद uh, एक महीने बाद प्ले स्टोर में अवेलेबल uh, होगा ताकि जो रूरल बैकग्राउंड से है या जो इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से है वो भी वही चीज मिल सके उस हिसाब का डाइटिशियन या उस हिसाब का मेंटल हेल्थ के लिए चीज मिल सके जो एक आ, अमीर बच्चों को मिलेगा और एक अमीर एथलीट वो भी है, ये ये जो तुम्हारी दूसरी ऐप है वो क्या हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काम आएगी कि कॉमन मैन को भी काम आएगी सर कॉमन मैन को भी काम आएगी न्यूट्रिशन के लिए देश भर में जो अभियान चल रहा है हमारे स्मृति जी, जी के नेतृत्व में देश भर में कुपोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है लोगों को जागरूक किया जा रहा है तो उसमें आपके ये ऐप का का उपयोग हो सकता है हाँ सर ऐप का उपयोग हो सकता है। तो आपने सरकार के जो इनिशिएटिव हैं, योजनाएं हैं उसको स्टडी किया है हाँ सर कुछ कुछ मैंने किया है जब मैंने ये ऐप डेवलप किया अगर था। उसको इसके आ... साथ इनकॉर्पोरेट करोगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत उपयोगी होगा और कुछ स्टार्टअप वाले पहुँच जाएंगे तुम्हारे पास स्टार्टअप वाले अपना स्टार्टअप बना देंगे अच्छा आप जी ये सारा काम करती हो हाँ सर तो तुम्हारे स्कूल का ही एनवायरमेंट है मित्रों का है कि परिवार का है सर सभी का ही है स्कूल से भी बहुत सपोर्ट मिलता है जब भी छुट्टी मांगू दे देते हैं मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे फैमिली स्पेशली मेरी दीदी मुझे हमेशा बोलती है और हमेशा सपोर्ट करती है कि स्कूल के परसेंटेज थोड़ा कम आए फिर भी ठीक है फिर भी इनोवेशन में तू ध्यान दे तो सभी बहुत सपोर्ट करते हैं तो सभी तुम्हारे साथ कौन कौन बैठा है सर मेरे पापा है और मेरी मम्मी है चलिए उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ और ये तुम्हारी छोटी बहन है 2021 के है अच्छा 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 आप जी। लेबोरेटरी में या अपने कंप्यूटर पे दुनिया खपाती रहती हो डिजिटल डिवाइसेज पे खेलती रहती हो और फिर खेलकूद के मैदान में भी चली जाती हो क्या बात है हाँ सर सर मैं मानती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी हर लड़कियों को या हर आ, किसी इंसान को जाना चाहिए और स्पेशली सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए बहुत जरूरी होता है इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी करती हूँ सर चलिए भी आप एक खिलाड़ी भी हैं इनोवेशन भी करती हैं और आपके मन में लोगों के लिए प्यार भी है न्यूट्रिशन की चिंता करती हैं आपने बहुत ही प्रेरक काम किया है मैं आपको बधाई देता हूँ आ, आपके you, परिवार जनों को बधाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद so नमस्कार की दुनिया से प्रधानमंत्री जी अब आपका डिजिटली परिचय करवाना चाहेंगे एक वीर बालक से बालक का नाम है धीरज कुमार जो जुड़ रहे हैं हमसे बिहार से नमस्कार सर धीरज नमस्ते जी सर चलिए आपका नाम तो बड़ा धैर्य से भरा हुआ है जी बताइए आपके साथ जो घटना घटी उसका जरा विस्तार से बताइए कैसे सामना किया आपने हम दोनों भाई गए थे भैंस धोने के लिए तो हम नदी किनारा बैठ गए हमारा भाई भैंस धोने लगा तो अभी अचानक से मगरमच्छ आया और हमला बोल दिया उस पर तो चिल्लाया तुम तो मैं गया तो मेरे गोड़ में लंगड़ी से मार दिया तभी मैं घायल हो गया था तभी के भी उनको घींच कर घर ले आए और घर से लेकर सरकारी हॉस्पिटल में बेतिया लेकर आए चुपचाप रहा उस समय आपकी उम्र कितनी थी चौदह बरस अच्छा तो ये आपका छोटा भाई था जी तो इस भाई को याद है सारा कैसे हुआ था और अब याद करता है उसको भाई को डर लगता है कि अभी हिम्मत आ गई है डर लगता है नदी के पास नहीं जाता है वो अच्छा घटना जब इतनी हुई खून दिखता होगा मगर इतना बड़ा दिखता होगा तो आपको डर नहीं लगा आपके दिमाग में क्या विचार आया उस समय उस समय मेरा दिमाग में खाली मेरा भाई लो, लोक रहा था अगल बगल कुछ नहीं अच्छा ऐसा हिम्मत आई है अब तो लोग तुम्हें अखबारों में नाम छप गया लोग तुम्हें बातें करते होंगे तो क्या तुम्हारा भी कोई पसंदीदा कोई सुपर हीरो है क्या जी हैं ऐसा नहीं है कुछ मन में आपका सुपर हीरो कौन है सुपर हीरो है? चलिए कोई बात नहीं मैं तो आपने जो साहस दिखाया अपने परिवार की जो चिंता की अपने भाई को बचाया वो भाई होना वो एक बात है लेकिन इस प्रकार से ऐसे समय साहस और समय सूचकता के साथ और उसमें साहस भी चाहिए संयम भी चाहिए और बहुत बुद्धि के तरीके से आपने अपने भैया को निकाल दिया मैं समझता हूं कि आप जैसे बालक ऐसी घटनाओं में जब अपने भीतर की सारी शक्ति को उपयोग करते हुए किसी की जिंदगी बचा देते हैं तो अपने आप में एक प्रेरक बन जाती हैं। आगे क्या बनने के लिए सोच रहे हो धीरज फौजी फौजी फो, बनकर देश का कर सेवा फौज में जाना है जी चलिए फिर तो देशभक्ति भी उतनी भरी पड़ी है आपके अंदर मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत प्रधानमंत्री जी धीरज के बाद अब वीरों का प्रदेश पंजाब आतुरता से आपकी राह बांट रहा है जहां पर समाज सेवा के लिए पुरस्कृत मेधांश कुमार गुप्ता आपसे संवाद करना चाहेंगे मेधांश नमस्ते नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी मेदास बताइए एक तो खुद के विषय में बताइए और अपने साथ कौन कौन बैठे हैं वो भी बता दीजिए सर सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आपके साथ तो बात करने का एक शुभ अवसर मिला सो so, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सर जो मेरा मेन फील्ड है जिसमें मैंने काम किया है वो मेरा आईटी के अंदर है टेक्नोलॉजी में तो मैंने उसमें काफी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एंड जो मैंने अपना मेन वर्क किया है वो मैंने कोरोना टाइम के अंदर किया है बिकॉज लोग काफी पैनिक क्रिएट कर रहे थे कि लोगों को पता नहीं था कोरोना क्या होता है तो उसके लिए मैंने अपने फील्ड के अंदर दायरे में रहकर मैंने लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जिसके अंदर लोगों को सारी जानकारी मिलती थी कोरोना के लिए एंड उसके साथ मैंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिस पर लोग, लोग जुड़े थे तुम्हारे साथ सर उसके अंदर काफी लोग जुड़े थे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग राज्यों से एंड सर मेरे मेरे साथ अभी मेरे मदर बैठे हैं एंड मेरे फादर एंड डीएम अधिकारी बैठे तो ये आपको आदत किसने डाली माँ बाप ने डाली है स्कूल में कॉलेज में डाली क्या हुआ सर मुझे जो मेरे को एक अफसर मिला वो मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से मिला क्योंकि वो भी आईटी के अंदर ही है उनका फील्ड तो उन्होंने मुझे काफी एक्सप्लोर किया सिखाया एंड मुझे मेरे फादर से काफी इंस्पिरेशन मिली कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता क्योंकि उन्होंने भी काफी काम किया सोसाइटी के लिए अच्छा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप नौकरी करना चाहेंगे या कोई स्टार्टअप वगैरह शुरू करेंगे सर मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कंपनी के अंदर मैं और जो मेरे दोस्त हैं मैं उनको कोडिंग सिखाऊं एंड साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जो कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं फेसबुक गूगल तो मैं भी उनकी तरह कुछ डेवलप करूं और समाज की सेवा कर सकूं। मेदास आपको देखकर मुझे ये लगने लगा है कि पिछले कुछ वर्षों से किए गए भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई वो प्रयासों के कुछ अच्छे परिणाम निकल रहे हैं हमारी कोशिश रही है कि हम देश के युवाओं को आने वाली पीढ़ी को एक एंट्रप्रनरशिप के रूप में उनको कैसे उस तरफ आकर्षित करें स्टार्टअप की दुनिया में आए वो स्वयं एक प्रकार से जॉब क्रिएटर बने और देश की ताकत को बढ़ावा दे आपने अपने काम से ये साबित कर दिया कि हमारे देश के बच्चों में जो योग्यता और उससे कितने बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं तो मेरी तरफ से आपको आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई आपके सपने पूरे हो और आप बहुत प्रगति करें बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत, बहुत। प्रधानमंत्री जी आपका विशेष आग्रह रहा है कि बच्चों को खेलकूद की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए आपने विशेष रूप से उन बेटियों का अभिनंदन किया है जिन्होंने खेल जगत में हिंदुस्तान का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है आज खेल की जगत से एक छोटी सी बेटी आपके हस्तों से पुरस्कृत भी हुई और अब संवाद के लिए आतुर है मैं आपकी अनुमति से तारुषी गौर को आमंत्रित करना चाहूंगी चंडीगढ़ से तारुषी नमस्कार नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी तारुषी पहले लोग कहा करते थे कि खेल खेलने से पढ़ाई में बाधा आती है आपको क्या लगता है सच है क्या आप पढ़ाई और खेल में तालमेल ऐसा... कैसे बिठाती हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई और खेल दोनों ही हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं दोनों का अपना एक अच्छा एक अलग महत्व होता है पढ़ाई करने से हम आगे बढ़ सकते हैं हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं और खेल से तो हम अपने देश का गौरव कर सकते हैं हम देश को ऊंचा नाम दे सकते हैं तो पढ़ाई और खेल दोनों करते हुए हम अपने देश को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं और देश को प्राउड भी कर सकते हैं आपके साथ कौन कौन है तारू से सर मेरे साथ मेरे माता पिता हैं और हमारे राज्य के डीसी सर हैं। अच्छा तो जी ये विचार सब कहा से आया तुम्हें चंडीगढ़ कब से रहती हो तो मैं काफी समय से चंडीगढ़ के साथ जुड़ी हुई हूँ और उसके साथ साथ मैंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करके चंडीगढ़ के लिए गोल्ड मेडल लेके आई हूँ अच्छा मैंने सुना है कि आप मैरी कॉम को अपना आदर्श मानती हैं उन उनकी कौन सी खूबी आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है सर मैरी कॉम की अनेक खूबियां हैं अगर मैं बताने लगू तो पूरी मीटिंग ही खत्म हो जाएगी मुझे मेरी कॉम इसमें अच्छी लगती है क्योंकि वो मेरे को सिखाती है कि हमारी लाइफ में हमारे स्पोर्ट्स में कितनी भी स्ट्रगल आए कितनी भी डिफिकल्टी आए हम हमें उसे पार करके अपने ड्रीम्स को अचीव करना है उन्होंने इंडिया का नाम भी प्राउड किया है और उसके साथ साथ एक एक्सलेंट मदर भी हैं वाइफ और बेटी भी हैं तो वो अपने खेल और पर्सनल लाइफ के बीच में बहुत अच्छे से बैलेंस भी करती हैं। तारू जी आप इतनी सीरियस सीरियस बातें क्यों करती हो सर मैं सीरियस बातें नहीं करती हूँ मैं सोचती हूँ कि मुझे देश का नाम ऊंचा करना है इसलिए मैं डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करती हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ड्रीम पे ही एम करूँ जब पहली बार विदेश गई तब उम्र कितनी थी तुम्हारी इस समय इस उम्र में मैं अभी विदेश नहीं गई हूँ क्योंकि अभी तक एज कैटेगरी नहीं थी तो मैं सबसे खिलाड़ी हूँ जिसको डिग्री वन ब्लैक बेल्ट और ब्लैक बेल्ट डिग्री टू भी मिली है देखिए आपने छोटी सी उम्र में बहुत सी उपलब्धि हासिल की है इसके लिए मैं आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ पिछले कुछ वर्षों से हमारी कोशिश यही है कि हम अपने खिलाड़ियों को हर तरह से सपोर्ट करें इससे भी बड़ी कोशिश है कि हम ये भाव जगा सके कि हमारे खिलाड़ी दुनिया में किसी भी स्तर पर हाँ संघर्ष करते रहे जीतते रहे और जीत सकते हैं आप जैसे युवा खिलाड़ियों को देखकर मुझे बहुत संतोष होता है आपने जो लक्ष्य बनाया है उसमें पूरा देश आपके साथ है आप जम करके मेहनत कीजिए बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सर प्रधानमंत्री जी इस संवाद के लिए हर बच्चे की ओर से उनके अभिभावकों की ओर से आपका आभार व्यक्त करने के साथ साथ अब आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में मात्र सर्टिफिकेट नहीं बल्कि हर बच्चे को उनके बैंक के अकाउंट में आप एक लाख रुपए की राशि भी देते हैं आप इस राशि को डिजिटली ट्रांसफर करने की कृपा करें माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 2022 के सभी विजेताओं के अकाउंट में एक एक लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि प्रदान की जाती है सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं मंत्री जी आज मात्र पुरस्कृत बच्चे ही नहीं बल्कि देश भर से सभी प्रदेशों से बच्चे उनके अभिभावक इस कार्यक्रम से जुड़े हैं हम सब अभिलाषी हैं कि आपके शुभाशीष इस अवसर पर हम प्राप्त करें कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद के हमारे साथी स्मृति ईरानी जी डॉक्टर महेंद्र भाई सभी अधिकारीगण सभी अभिभावक एवं शिक्षकगण और भारत के भविष्य ऐसे मेरे सभी युवा साथियों आप सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा आपसे आपके अनुभवों के बारे में जानने को भी मिला कला संस्कृति से लेकर वीरता शिक्षा से लेकर इनोवेशन समाज सेवा और खेल जैसे अनेक विध क्षेत्रों में आपकी असाधारण उपलब्धियों के लिए आपको अवार्ड मिले हैं और ये एक बहुत बड़ी स्पर्धा के बाद आपको मिले हैं देश के हर कोने से बच्चे आगे आए हैं उसमें से आपको न, आपका नंबर लगा है मतलब कि अवार्ड पाने वाले की संख्या भले कम है लेकिन इस प्रकार से होनहार बालकों की संख्या हमारे देश में अपरम पार है आप सबको एक बार फिर इन पुरस्कारों के लिए बहुत बहुत बधाई आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है मैं देश की सभी बेटियों को भी बधाई देता हूं शुभकामनाएं देता हूं साथियों आपके साथ साथ मैं आपके माता पिता और आपके टीचर्स को भी विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं इसके पीछे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसलिए आपकी हर सफलता आपके अपनों की भी सफलता है उसमें आपके अपनों का प्रयास और उनकी भावनाएं शामिल हैं मेरे नौजवान साथियों आपको आज ये जो अवॉर्ड मिला है ये एक और वजह से भी बहुत खास है ये वजह है उन पुरस्कारों का अवसर देश इस समय अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है आपको ये अवार्ड इस महत्वपूर्ण कालखंड में मिले हैं आप जीवन भर गर्व से कहेंगे कि जब मेरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तब मुझे ये अवार्ड मिला इस अवार्ड के साथ आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है अब दोस्तों की परिवार की समाज की हर किसी की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं इन अपेक्षाओं का आपको दबाव नहीं लेना है इनसे प्रेरणा लेनी है युवा साथियों हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों ने बेटे बेटियों ने हर युग में इतिहास लिखा है हमारी आजादी की लड़ाई में वीर बाला कनकलता बरुआ खुदीराम बोस रानी गाइडीन ल्यू जैसे वीरों का ऐसा इतिहास है जो हमें गर्व से भर देता है इन सेनानियों ने छोटी सी उम्र में ही देश की आजादी को अपने जीवन का मिशन बना लिया था उसके लिए खुद को समर्पित कर दिया था आपने टीवी देखा होगा मैं पिछले साल दिवाली पर जम्मू कश्मीर के नौसेरा सेक्टर में गया था वहां मेरी मुलाकात श्रीमान बलदेव सिंह और श्रीमान बसंत सिंह नाम के ऐसे वीरों से हुई जिन्होंने आजादी के बाद आजादी के तुरंत बाद जो युद्ध हुआ था कश्मीर की धरती पर अभी तो इनकी उम्र बहुत बड़ी है तब तो वो बहुत छोटी उम्र के थे, और उन्होंने उस युद्ध में बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी और हमारी सेना में पहली बार बाल सैनिक के रूप में उनकी पहचान की गई थी उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में अपनी सेना की मदद की थी इसी तरह हमारे भारत का एक और उदाहरण है गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों का शौर्य और बलिदान साहिब जादों ने जब असीम वीरता के साथ धैर्य के साथ साहस के साथ पूर्ण समर्पण भाव से बलिदान दिया था तब उनकी उम्र बहुत कम थी भारत की सभ्यता संस्कृति आस्था और धर्म के लिए उनका बलिदान अतुलनीय है साहिब जादों के बलिदान की स्मृति में देश ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की भी शुरुआत की है मैं चाहूंगा कि आप सब और देश के सभी युवा वीर साहिब जादों के बारे में जरूर पढ़ें आपने ये भी जरूर देखा होगा कल दिल्ली में इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की गई है नेताजी से हमें सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है कर्तव्य की नेशन फर्स्ट राष्ट्र प्रथम की नेताजी से प्रेरणा लेकर हम सबको और युवा पीढ़ी को विशेष रूप से देश के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है साथियों हमारी आजादी के 75 साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे सामने अपने अतीत पर गर्व करने का उससे ऊर्जा लेने का समय है यह समय वर्तमान के संकल्पों को पूरा करने का है यह समय भविष्य के लिए नए सपने देखने का है नए लक्ष्य निर्धारित करके उन पर बढ़ने का है लक्ष्य अगले 25 सालों के लिए है जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा अब आप कल्पना कीजिए आज आप में से ज्यादातर लोग 10 और 20 के बीच की उम्र के हैं जब आजादी के 100 साल होंगे तब आप जीवन के उस पड़ाव पर होंगे तब ये देश कितना भव्य दिव्य प्रगतिशील ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ आपका जीवन कितना सुख शांति से भरा हुआ होगा यानी ये लक्ष्य हमारे युवाओं के लिए है आपकी पीढ़ी और आपके लिए है अगले 25 सालों में देश जिस ऊंचाई पर होगा देश का जो सामर्थ्य बढ़ेगा उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी युवा पीढ़ी की है साथियों हमारे पूर्वजों ने जो बोया उन्होंने जो तप किया त्याग किया उसके फल हम सबके नसीब हुए हैं लेकिन आप वो लोग हैं आप एक ऐसे कालखंड में पहुंचे हैं देश आज उस जगह पे पहुंचा हुआ है कि आप जो बोएंगे उसके फल आपको खाने को मिलेंगे इतना जल्दी से बदलाव होने वाला है इसलिए आप देखते होंगे कि आज देश में जो नीतियां बन रही हैं जो प्रयास हो रहे हैं उन सबके केंद्र में हमारी युवा पीढ़ी है आप लोग हैं आप किसी सेक्टर को सामने रखिए आज देश के सामने स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन है स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा अभियान हमारे सामने है मेक इन इंडिया को गति दी जा रही है आत्मनिर्भर भारत का जन आंदोलन देश ने शुरू किया है देश के हर कोने में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार ले रहा है हाईवेज बन रहे हैं हाई स्पीड एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं ये प्रगति ये गति किसकी स्पीड से मैच करती है आप लोग ही हैं जो इन सब बदलावों से खुद को जोड़कर देखते हैं इन सब के लिए इतना एक्साइटेड रहते हैं आपकी ही जनरेशन भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इस नए दौर के लीड कर रही है आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ हर कोई आज उसकी चर्चा कर रहा है ये सीईओ कौन है हमारे ही देश के संतान है इसी देश की युवा पीढ़ी है जो आज विश्व में छाई हुई है आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि भारत के युवा स्टार्टअप की दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं आज हमें गर्व होता है जब हम देखते हैं कि भारत के युवा नए नए इनोवेशन कर रहे हैं देश को आगे बढ़ा रहे हैं अब से कुछ समय बाद भारत अपने दमखम पर पहली बार अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने वाला है इस गगनयान मिशन का दारो दबार भी हमारे युवाओं के पर ही है जो युवा इस मिशन के लिए चुने गए हैं वो इस समय कड़ी मेहनत कर रहे हैं साथियों आज आपको मिले ये अवार्ड भी हमारी युवा पीढ़ी के साहस और वीरता को भी सेलिब्रेट करते हैं ये साहस और वीरता ही आज नए भारत की पहचान है कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई हमने देखी है हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने दुनिया में लीड लेते हुए देश को वैक्सीन दी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी बिना डरे बिना रुके देशवासियों की सेवा की हमारी नर्सेज गांव गांव मुश्किल से मुश्किल जगहों पर जाकर लोगों वैक्सीन लगा रहे हैं ये एक देश के रूप में साहस और हिम्मत की बड़ी मिसाल है इसी तरह सीमाओं पर डटे हमारे सैनिकों की वीरता को देखिए देश की रक्षा के लिए उनकी जाबाजी हमारी पहचान बन गई है हमारे खिलाड़ी भी आज वो मुकाम हासिल कर रहे हैं जो भारत के लिए कभी संभव नहीं माने जाते इसी तरह जिन क्षेत्रों में बेटियों को पहले इजाजत भी नहीं होती थी बेटियां आज उनमें कमाल कर रही है यही तो वो नया भारत है जो नया करने से पीछे नहीं रहता हिम्मत और हौसला आज भारत की पहचान है साथियों आज भारत अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है इससे आपको पढ़ने में सीखने में और आसानी होगी आप अपनी पसंद के विषय पढ़ पाए इसके लिए भी शिक्षा नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं देश भर के हजारों स्कूलों में बन रही अटल टिंकरिंग लैब्स पढ़ाई के शुरुआती दिनों से ही बच्चों में इनोवेशन का सामर्थ्य बढ़ा रही है साथियों भारत के बच्चों ने युवा पीढ़ी ने हमेशा साबित किया है कि वो इक्कीसवीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कितने सामर्थ्य से भरे हुए हैं मुझे याद है चंद्रयान के समय मैंने देश भर के बच्चों को बुलाया था उनका उत्साह उनका जोश मैं कभी भूल नहीं सकता भारत के बच्चों ने अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी अपनी आधुनिक और वैज्ञानिक सोच का परिचय दिया है तीन जनवरी के बाद से सिर्फ बीस दिनों में ही चार करोड़ से ज्यादा बच्चों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है ये दिखाता है कि हमारे देश के बच्चे कितने जागरूक हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का कितना एहसास है साथियों स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय ये श्रेय भी मैं भारत के बच्चों को देता हूं आप लोगों ने घर घर में बाल सैनिक बनकर के स्वच्छाग्रही बनकर अपने परिवार को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया घर के लोग स्वच्छता रखें घर के भीतर और बाहर गंदगी ना हो इसका बीड़ा बच्चों ने खुद उठा लिया था आज देश के बच्चों से एक और बात के लिए सहयोग मांग रहा है और बच्चे मेरे साथ देंगे तो हर परिवार में परिवर्तन आएगा और मुझे विश्वास है कि मेरे नन्हे मुन्ने साथी यही मेरी बाल सेना मुझे इस काम में बहुत मदद करेगी जैसे आप स्वच्छता अभियान के लिए आगे आए वैसे ही आप वोकल फॉर लोकल अभियान के लिए भी आगे आइए आप घर में बैठकर के सब भाई बहन बैठ के एक लिस्ट बनाइए गिनती करिए कागज लेकर के देखिए सुबह से रात देर तक आप जो चीजों का उपयोग करते हैं घर में जो सामान है ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में नहीं बने हैं विदेशी हैं इसके बाद घर के लोगों से आग्रह करें कि भविष्य में जब भी वैसा ही कोई प्रोडक्ट खरीदा जाए तो वो भारत में बना हो उसमें भारत के मिट्टी की सुगंध हो जिसमें भारत के युवा के पसीने की सुगंध हो जब आप भारत में बनी चीजें खरीदेंगे तो क्या होने वाला है एकदम से हमारा उत्पादन बढ़ने लग जाएगा हर चीज में उत्पादन बढ़ेगा और जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार के लिए नए अवसर बनेंगे जब रोजगार बढ़ेंगे तो आपका जीवन भी आत्मनिर्भर बनेगा इसलिए आत्मनिर्भर भारत का अभियान हमारी युवा पीढ़ी आप सभी से जुड़ा हुआ है साथियों आज से दो दिन बाद देश अपना गणतंत्र दिवस भी मनाएगा हमें गणतंत्र दिवस पर अपने देश के लिए कुछ नए संकल्प लेने हैं हमारे ये संकल्प समाज के लिए देश के लिए और पूरे विश्व के भविष्य के लिए हो सकते हैं जैसे कि पर्यावरण का उदाहरण हमारे सामने है भारत पर्यावरण की दिशा में आज उतना कुछ कर रहा है और इतना लाभ पूरे विश्व को मिलेगा मैं चाहूंगा कि आप उन संकल्पों के बारे में सोचें जो भारत की पहचान से जुड़े हैं जो भारत को आधुनिक और विकसित बनाने में मदद करें। मुझे पूरा भरोसा है आपके सपने देश के संकल्पों से जुड़ेंगे और आप आने वाले समय में देश के लिए अनगिनत कीर्तिमान स्थापित करेंगे इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई सभी मेरे बाल मित्रों को बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद